नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार में शिक्षा जगत से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि के पाठक बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं और बिहार में पठन पाठन को दुरुस्त करने के लिए वो एड़ी चोटी लगा रखे हैं। बिहार में शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, इसके लिए के पाठक एक के बाद एक फरमान जारी करते हुए दिख रहे हैं और इसी क्रम में एक बार फिर से एक नया फरमान उन्होंने जारी कर दिया है। दरअसल बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अब ऑनलाइन हाजिरी बनाना होगा। अगर ऑनलाइन हाजिरी आपने नहीं बनाया तो आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, के पाठक के इस आदेश के बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनमें हड़कंप सी मचती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से के पाठक के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहे हैं, एक के बाद एक नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे शिक्षा विभाग के साथ साथ सरकारी स्कूल के टीचरों में भी हड़कंप मच गई है। आपको बताएं कि अटेंडेंस बनाने का नया नियम लागू हो गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की हाजिरी बनाने के लिए नया नियम बनाया गया है, जिसे जानना हर टीचर के लिए बेहद ज़रूरी है। बिहार में अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक से होगी। शिक्षा विभाग ने बायोमेट्रिक मशीनों को स्कूल में लगाने के लिए एजेंसियों का चयन कर लिया है। हर जिले को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विभाग के निदेशक प्रशासन सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक मशीन लगाने के लिए 4 एजेंसियों का सिलेक्शन हुआ है। इन सभी एजेंसियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। एजेंसियां अपने जिले में संपर्क कर स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाएगी। बिहार के सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो रहा होगा। स्कूलों में इंटरनेट उपलब्धता के लिए BSNL की सेवाएं ली जाएंगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश में 784 शिक्षक प्रदान करने के लिए 784 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ICTB लैब की जांच स्थापना भी की जा चुकी है। तो इस प्रकार से अब बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों को समय से पहुंचाने के लिए, साथ ही साथ बिहार में जो शिक्षक है वो समय पर पहुंचे और हाजिरी को लेकर बड़ा आदेश कहीं ना कहीं जारी कर दिया है। अब बायोमेट्रिक के माध्यम से बिहार के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का हाजिरी बनेगा और तभी सैलरी मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।